हेलो एवरीवन, आई एम शेफ रेखा पंडित फ्रॉम इंदौर। वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ कुकिंग। अभी भी आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर करें, पास का बेल बटन जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें। आप मुझसे क्या सीखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जरूर बताऊंगी। कई बार जब हम लोग बहुत बिजी होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ एक ऐसी चीज बना लें जो न्यूट्रिशन में भी हो, न्यूट्रिएटिव हो और जल्दी बन जाए और हेल्दी भी हो। तो अक्सर हम लोग शाम के समय में बनाया करते हैं एक वेजिटेबल राइस, है ना, जिसे कि पुलाव कहा जाता है, वेजिटेबल पुलाव। वही आज बता रही हूं कि कैसे घर में जल्दी से बना लें। बिरयानी एक अलग चीज है जिसमें चावल को पहले पकाया जाता है और मसाला अलग तैयार किया जाता है और फिर उसको लेयर की जाती है। बघारा भात वो है जब चावल को उबाल के पसा दिया जाता है और फिर उसे बघारा जाता है। पुलाव वो है जब कच्चे चावल को भिगो के और उसको सब्जियों के साथ पकाया जाता है, उसे कहते हैं पुलाव। वेजिटेबल राइस यानी कि पुलाव बनाने के लिए जो चीज हमें लगेगी वो बता रही हूं। देखिए, हमें लगेगा एक कप चावल, बासमती राइस एक कप, एक गाजर, हाफ कप मटर, कैबेज हाफ कप, कॉलीफ्लावर हो तो वो भी ले सकते हैं, कैप्सिकम है एक स्मॉल, एक अनियन, जिंजर और गार्लिक चॉप्ड एक टीस्पून, दो टेबलस्पून घी, एक टीस्पून नमक, आधा टीस्पून गरम मसाला या बिरयानी मसाला, और रेड चिली ऑप्शनल है, डालना है तो डालें नहीं तो नहीं। पेपरकॉर्न 4 से 5, क्लोव्स 2 से 3, दालचीनी 1, बे लीफ 1, एक स्टार फूल और एक कार्डोमन और मेस थोड़ी सी। अगर साबुत लाल मिर्च डालना चाहते हैं तो 1, और पानी लगेगा हमें इसमें 1 कप चावल में 2 कप पानी। सबसे पहली स्टेप है कि हमने 1 कप चावल लिए हैं और इसको हमें धो के रखना है और आधा घंटा हमने इसे सोक किया है। और इसके बाद हमने एक कढ़ाई गर्म रखी है और उसमें हम डाल रहे हैं घी। चावल यदि घी में बनाए तो बहुत अच्छा स्वाद देते हैं, लेकिन अगर हम घी नहीं डाल सकते तो तेल में भी बना सकते हैं, है ना। और इसके बाद जैसे ही ये चावल के लिए घी हमने रखा है ये हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे तेज पत्ते, 1 तेज पत्ता, 2-3 लौंग, काली मिर्ची, दालचीनी, स्टार फूल, कार्डोमन और मेस। ये सब हमें इसी में डालना है। और इसके बाद इसमें मैं डालूंगी प्याज। प्याज बहुत अच्छी तरह से हो गया और इसमें मैं डाल रही हूँ जिंजर और गार्लिक। ये पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि प्याज हमें पूरे ब्राउन करने थे। देखिए, पूरे ब्राउन हो चुके हैं और फिर इसमें मैं डाल रही हूँ कैरेट पीस, कैप्सिकम, कैबेज, सभी चीजें हमने डाल ली हैं और इसको भी भूनेंगे बहुत अच्छी तरह से प्याज के साथ। ये बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और इसमें हम पहले डाल देते हैं मसाले, जैसे कि नमक, गरम मसाला, हल्दी इसमें नहीं डलती और हमारे पास है कुछ किशमिश, वो भी मैंने इसमें डाल दी। गरम मसाला और नमक डाला है, अच्छी तरह से इसे भून लिया है और इसमें डाल रही हूँ सोक्ड राइस यानी भीगे हुए चावल। और इसे भी 2 मिनट तक मैं भूनूंगी
और फिर डबल पानी डाल के इसे पकाऊंगी। देखिए अब इसमें हम डालेंगे पानी, डबल पानी डलेगा पूरा ऊपर तक भर के, और इसे एक बॉईल आने के बाद हम सिम पे करेंगे और 15 मिनट तक लिड के साथ कवर करके इसे पकाएंगे। अगर आप चाहें तो इसमें बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं, और हमारे घर का जो गरम मसाला पिसा हुआ है तो हम वो उसके अलावा कुछ नहीं डालते हैं। ये 15 मिनट हो गए इसके, 15 मिनट्स, देखिए कितना अच्छा ये बना है। और इसके सबसे पहले जो तेज पत्ते होते हैं वो निकाल के साइड में रखने चाहिए, और देखिए ये जरा भी चिपका नहीं है और ये बहुत अच्छे से बना है। इसका साइज चावल का देखो कितना अच्छा है, चावल का साइज बहुत अच्छा आया है, एक एक चावल अलग है और जो भी सब्जियां हमने डाली थी वो है। इसके ऊपर से या तो हम मिंट लीफ डाल सकते हैं या हम करियंडर लीफ डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे मिंट की लीफ डाल रही हूँ ताकि इसका पुलाव में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसका कलर ऐसा ब्राउन होना चाहिए, इसमें हल्दी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए इस चीज को हम और इसको हम इस तरह से सर्व करेंगे। इसे सर्व किया जाता है टमाटर की मीठी चटनी के साथ या दही के साथ मेन कोर्स में, और हम सिर्फ इसे अकेले भी सर्व कर सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया डिश है, बहुत फ्लेवर रहता है इसमें, बहुत टेस्ट रहता है। प्लेन कर्ड के संग, रायते के संग हम इसे सर्व कर सकते हैं, और ये अपने आप में एक कंप्लीट डिश है। वेजिटेबल